बीसलपुर के गांव गोबल में बिजली दफ्तर के सामने हाई टेंशन लाइन की शॉर्ट सर्किट से खेत में लगी आग। 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते आए दिन शॉर्ट सर्किट से किसानों का हो रहा नुकसान है। तमनगला निवासी किसान महेश कुमार का आरोप, सूचना के बाद भी मौके पर खेत देखने नहीं पहुंचा कोई बिजली विभाग का कर्मचारी। पीलीभीत के बीसलपुर में वैगनार कार और ट्रैक्टर ट्राली में जोरदार भिड़ंत, सड़क हादसे में कार के उड़ गए पर कच्चे ट्रैक्टर चालक की मौके पर मौत। कार सवार दूल्हा सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल। बरेली से चल रहा घायलों का उपचार, घुचियाई थाना क्षेत्र के गांव दिलावरपुर से बरेली जा रही थी बारात। बीसलपुर के मोहल्ला अभीउल्ला का शुमाली में भांजे ने मामी के 17 तोले के सोने के जेवरात किए चोरी। शादी समारोह में सम्मिलित होने आई थी हजरा बेगम। जानकारी के बाद हजरा बेगम ने बीसलपुर कोतवाली में दी तहरीर। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में की जांच शुरू। आरोपी आर्मी मैन बताया जा रहा। थानाध्यक्ष अशोक पाल ने बताया जनपद बरेली के फतेहगंज पश्चिमी के गांव सिटुआ निवासी हजरा बेगम की तहरीर पर फहीम सिद्दीकी उर्फ शिबू के विरुद्ध मुकदमा दर्ज। पनीर मोमो खाने के लिए बरेली शाहजहांपुर से बीसलपुर पहुंच रहे लोग। सबसे स्वादिष्ट पनीर मोमोज बीसलपुर के 12 पत्थर के निकट द बैरी हाउस रेस्टोरेंट पर उपलब्ध। रेस्टोरेंट में कोल्ड काफी, डोसा, बर्गर, चाउमीन के साथ रिसेप्शन, एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए वातानुकूलित हाल उपलब्ध। रेस्टोरेंट स्वामी सुदीप अवस्थी ने दी जानकारी। बीसलपुर रेलवे स्टेशन के निकट 7:35 बजे ट्रेन से कटकर अज्ञात व्यक्ति की मौत। कई घंटे प्रयास के बाद भी नहीं हो सकी शव की शिनाख्त। रेलवे प्रशासन की घोर लापरवाही आई सामने। फटे पुराने गत्तों से लाश को ढका। रेलवे विभाग के पास लाश ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं उपलब्ध। मानवता हुई शर्मसार। पीलीभीत में नहीं थम रहा आवारा कुत्तों का आतंक। घर के अंदर खेल रही मासूम बच्ची पर आवारा कुत्ते ने किया हमला। घायल अवस्था में जिला अस्पताल में 3 वर्ष की मासूम राधिका को कराया गया भर्ती। जहानाबाद थाना क्षेत्र के गाँव सरोरी निवासी टीका राम की पुत्री है राधिका। पीलीभीत में तेंदुए ने हमला कर चाचा भतीजे को किया घायल। गुस्सा ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर बंद कर्मियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। खेत के बीच बने घर में बैठे थे चाचा भतीजे। पीलीभीत के सदर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। पीलीभीत निवासी रामोतार और उनका भतीजा बादशाह घायल। पीलीभीत का करेली क्षेत्र में ग्रामीण का कान काटने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को बांका सहित किया गिरफ्तार, भेजा जेल। पुरानी रंजिश के चलते करेली निवासी ज्ञान प्रकाश का गांव के ही वीरपाल, अमरपाल, शेरपाल और मेनका ने बांके से काट दिया था कान।